अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। आज मैं आपको जी अपने कुछ लाखे जो हैं ये दिखाऊंगा। ये मैं जोड़ों के लिए रोके थे, बेबी पिजन रेडी हो गए हैं। मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये लैदा ब्रीड में से, और काफ़ी दिनों के बाद आज हाज़िर हो रहा हूँ आपकी खिदमत में। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बीमार हुआ था काफ़ी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह से रिकवर कर गया हूँ। तो इसलिए जो है आज आपकी खिदमत में काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हो रहा हूँ, ठीक है। और बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने फ़ोन करके हाल पूछा, दुआएं की मेरे लिए, उन सबका बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको जी पहले चलें ये दिखाता हूँ और इसका थोड़ा सा पीछे से बताता भी हूँ बैकग्राउंड हिस्ट्री कि ये किन में से है, और इसका भी बताता हूँ। पहले ये मादी है, ये मादी दिखाता हूँ। लें दोस्तों, ये मादी जो है इसकी सबसे पहले आँख देखें। आप आँख देखेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे, आँख में इसके बड़ा कुछ है। ये इसकी आँख है जी। अब आँख देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये किन ब्रीड में से है। ये जी चूहे कबूतर, साथ में एक जोंसरा कबूतर मेरे पास है, वो आपस में क्रॉस हुए तो ये आगे से जो है मारे वजूद में चीज़ आई, ठीक है। चूहे और जोंसरे, उनमें से ये मैं खुद हैरान हुआ कि लाखा बेबी कहाँ से आ गया। तो मैंने ये फिर जोड़ों के लिए रोक लिया, और फिर अब मैंने इसको एक बिल्कुल मेरे पास वाइट कबूतर पड़ा वो उसके साथ मैंने डाले ही इस मादी को, और इसका एक बच्चा अभी छत पे छोड़ा भी है रिसेंटली, तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि बाकी इसके जो बहन भी दूसरे कलर में आते थे वो तो ऑलरेडी परफॉर्म अच्छा कर रहे, तो पर अब ये देखते हैं जी आगे से क्या। तो अच्छा इसने अंडे दिए हैं, बच्चा भी पाला है, पर जोड़ इसके बिल्कुल बंद है और हड्डी और जोड़ के दरमियान जो है तकरीबन एक उंगली का फासला है, और जोड़ जो है हल्के से फ्लेक्सिबल जोड़ है, ठीक है। जिसम भी इसका हल्का सा फ्लेक्सिबल है, हालांकि इसने बच्चे पाले हैं सब कुछ, पर इसने अपनी बनतर अभी नहीं छोड़ी, अच्छी बनतर में है, लाइट वेट है जो कि एक अच्छे कबूतर के अंदर होता है। बाकी इसके पार हैं क्रीज कर रहे हैं आजकल, आपको पता है कबूतर सारे ही। ये इसके पार अच्छी बड़ी बगल के अंदर है, एक साइड का, यहाँ से भी ये ला रहा है। ये है इसका पर दूसरी साइड का। टेल जो है ये इसकी टेल है, पर जो मैंने इसके साथ नर लगाया वो बिल्कुल ऐसे कैंची लगी हुई है टेल को, टेल खोलता ही नहीं है आगे से। फिर बच्चा फिर बड़ा अच्छा उन्होंने निकाला है। ये सिर्फ एक पत्ता बीच में जो ना इसका ये लाखा सा आया हुआ, बाकी जिस तरह की चूँच है उसी तरह का सर है, उसी तरह की आँख है और उसी तरह के पंजे हैं, वो सेम है सब, डिटो एक जैसे ही आ रहा है, ठीक है। अब आपको जो है मैं दूसरा दिखाता हूँ कबूतर, उसका बताता हूँ। ये चूहे और जोंसरों में से निकली हुई है, ये सेकंड है। और अच्छा मेरे पास इस तरह के और भी पड़े हुए हैं ना, मैं इंशाल्लाह किसी दिन वीडियो में आपको अपने सारे इलाके दिखा दूँगा एक इकट्ठे डाल के केज में ना, मेरे पास काफ़ी तादाद में है इलाके, ऊपर जाल में भी पड़े हुए हैं, नीचे अंदर और भी पड़े हुए हैं, तो एक किसी इकट्ठे वीडियो में दिखाऊंगा। अच्छा ये जो है अब आपको इसकी आँख देख के जो है वो इसके पैटर्न का भी पता चल जाएगा। आपने मेरे कबूतर तो सब देखे ही हुए हैं, काफ़ी हद तक देखे हुए हैं, कुछ चंद ब्रीड्स हैं जो अभी तक आपके साथ शेयर नहीं हो सकी, इंशाल्लाह वो भी जल्द शेयर हो जाएंगी। ये इसकी आँख है। अब ये मेरे पास टैडी जोड़ा है, ये उनमें से निकला हुआ है, और ये अगले साल इसकी आँखें वाइट हो जाएंगी, वक्त के साथ साथ ही अपनी आँखें वाइट करते हैं। आपको बीच में रोशनी नज़र आ रही होगी, मेरा अक्स नज़र आ रहा होगा इसके नूर के अंदर, कितना बारीक नूर है और आँख देख लें कितनी शफाफ है। ये मेरे बड़ा अच्छा प्रवासी जोड़ा है, इसके तीन भाई मैंने छोड़े हुए उधर छत पे, दो भाई एक बहन है, तीन मतलब के छोड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीन छोड़े हैं और तीनों ही पक्के हो गए हैं और तीनों ही अच्छी कारकर्दगी दे रहे हैं, और बड़े अच्छी बंतर के अंदर मैंने हाथ में पकड़ा तो पहली चीज़ जिस्म होता है वो बड़ा अच्छा, और जोड़ इसके बड़े अच्छे हल्के से खुले हुए हैं जोड़। और बस मैं जब जोड़ा लगाता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है, मैं बिल्कुल ऐसे वाला जोड़ जो है ना, थोड़ा सा खुला जोड़, मेरी अपनी बाकी हर बंदे की पसंद है वो मैं लाइक करता हूँ, ठीक है। टेल तो आपके सामने है ही, बन टेल है बिल्कुल। तो इसकी जो है मैं आपको पर दिखाता हूँ, ये अभी रेडी और है, अभी इसकी देखिए कलियाँ आनी है। ये मेरा बिल्कुल एक नंबर टैडी कबूतर है, उनमें से निकला हुआ है, बगल देख लें, पर देख लें, अभी ये पर देखें बाहर को किस तरह चल रहे हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह सही है। इसके बहन भाई तो क्या बात है जी उनकी। ये मैंने जोड़ों के लिए, अच्छा इस मज़े की बात आपको बताऊं, इसके साथ का सेम, ये मैं दो निकले थे दोनों ही जोड़ों के लिए रोके, एक ये रोका एक दूसरा, ठीक है। वो जोंसरा टैडी बना था तो मैंने जोड़ों के लिए रोका, पर वो जिसने सातवीं कली पे आया ना
तो पता नहीं, बस मैंने कहा नहीं यार इसको उड़ाते हैं, तो वो मैंने परवाज़ी छत पे भेज दिया, और वहाँ पे वो पक्का हुआ 7वीं कली में जाके, और माशाल्लाह से उड़ रहा है। और अब मेरा ख्याल 9वीं कली पे आया, उसको 2-3 दिन ही हुए हैं वहाँ पे, और जो है ना वहाँ पे मैं गोल कर दिया गया, मुझे पता चला उसके पार ऊपर से गोल कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह तो पहले ही गोल था, पर वो कलियाँ झाड़ के, वो भी जो है ना 9वीं कली पे अब आ गया था, तो उसको ऊपर से कैंची रख के मार दी, क्योंकि वो इन्हीं परों में जो है ना बंद हो जाता। वो जब वहाँ पे गया था तो ये हिसाब लगा ले, यहाँ से ये कलियाँ टुकी हुई थी, तो वो बड़ा अच्छा। वहाँ से मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको किसी दिन जो है ना शो करवा दूँगा, वो भी दिखा दूँगा। वो जूनसरा टैडी बना था और ये लाखा बना था, मैं दोनों ही जोड़ों के लिए रखे थे, क्योंकि इनकी जो पहले बहन भाई मेरे पास अच्छी कारकर्दगी दे रहे थे, पर ये कलर में आया था मैंने डिफरेंट, मैंने कहा चलो मैं इसको जोड़ों के लिए रखता हूँ। तो फिर जो है मैंने ये वाला रख लिया, वो मैंने उधर उड़ने के लिए भेज दिया, वो उधर अब अच्छी कारकर्दगी दे रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल अब मज़ा भी आएगा। ये देखें पंजे, देखें कितने अच्छे पॉइंट में अपने पूरा तेल है ये इसकी। तो देखते हैं आगे से ये किस तरह का परफॉर्मर बनता है, क्या परफॉर्मेंस देता है हमको आगे, ब्रीड में अच्छा काम करता है कि नहीं करता, वक्त बताएगा। ये तो आपने बताना ज़रूर है जी, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें। कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ अब आती रहें आपके लिए, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।